हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिना और आप लोग देख रहे हो बिना टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हाउ टू फिल डेथ क्लेम सेटलमेंट फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस। आप लोग पोस्ट ऑफिस का डेथ क्लेम सेटलमेंट फॉर्म कैसे भर सकते हो, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लोग को पता चल जाएगा कैसे आप लोग को ये फॉर्म भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ एन अकाउंट ऑफ द डिसीज्ड डिपॉजिटर बाय नॉमिनी और लीगल हेड अंडर नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम। ठीक है, अगर कोई भी अकाउंट होल्डर डेथ कर जाता है और उन्होंने कोई भी सेविंग स्कीम ओपन किया हुआ है, ठीक है, उनका जो अकाउंट सेटलमेंट होने के लिए आप लोग को ये फॉर्म भरना पड़ेगा बाय नॉमिनी और बाय लीगल हायर। ठीक है, जो नॉमिनी है, जो गिवन नॉमिनी है, वही ये फॉर्म को भर सकता है, या फिर लीगल हायर विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप लोग कोर्ट से लाना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग डेथ अकाउंट होल्डर का डिपॉजिट को आप विड्रॉ कर सकते हो या फिर सेटलमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ फुल डिटेल में कैसे आप लोग को ये फॉर्म भरना है पोस्ट ऑफिस का। तो चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। टू द पोस्ट मास्टर, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का एड्रेस रहेगा जो भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना वाला दे दिया हूँ। ठीक है, और आई वी द नॉमिनी, मतलब अगर मल्टीपल है तो यहाँ पे वी पे टिक करना है, अगर सिंगल है तो यहाँ पे आप लोग को आई पे टिक करना है। मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख दे रहा हूँ, द नॉमिनी और लीगल हायर ऑफ लेट जो एक्सपायर किया है उनका नाम रहेगा, द डिपॉजिटर टू अकाउंट नंबर और सेविंग सर्टिफिकेट जो भी है, यहाँ पे अकाउंट नंबर या फिर सेविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो भी उन्होंने अकाउंट ओपन किया हुआ था या फिर कोई भी स्कीम लिया हुआ था वो सब यहाँ पे डिटेल रहेगा। ठीक है, अंडर नेम ऑफ स्कीम, यहाँ पे स्कीम का नाम रहेगा और फिर अकाउंट नंबर यहाँ पे आप लोग लिखना है, अप्लाई फॉर विड्रॉल ऑफ एंटायर अमाउंट और ट्रांसफर ऑफ द अकाउंट और सर्टिफिकेट इन माई और आवर नेम। ठीक है, अगर सिंगल है तो माई पे टिक करना है, अगर दो तीन क्लेम कर रहा है, ठीक है, नॉमिनी, तो यहाँ पे आवर टिक करना है और उनका नाम भी इधर रहेगा। ठीक है, स्टैंडिंग द क्रेडिट ऑफ द डिसीज्ड इन द सेड अकाउंट इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम आई हियर बाय सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा तभी जाके आप लोग को क्लेम सक्सेसफुली ट्रांसफर हो पाएगा। डेथ सर्टिफिकेट आप लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा डिपॉजिटर का। ठीक है, फिर डेथ सर्टिफिकेट ऑफ श्री श्रीमती जो डेथ किए हैं उनका नाम रहेगा, ऑल्सो द नॉमिनी अपॉइंटेड बाय द डिपॉजिटर और सक्सेशन सर्टिफिकेट जो कि लीगल हेड सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, ये आपको अपना तहसील ऑफिस से निकालना पड़ेगा या फिर कोर्ट से आप लोग को निकालना पड़ेगा, विद अटेस्टेड और प्रोबेबिलिटेड विल ऑफ द डिसीज्ड डिपॉजिटर इशूड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, जहाँ से लाए होंगे उनका डिटेल रहेगा। ठीक है, कोर्ट से हो या फिर तहसील से। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे ये सब डिटेल लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर डेथ सर्टिफिकेट नहीं देते हो तो ये जो क्लेम है ये पास नहीं होने वाला है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, फिर लेटर ऑफ इंडेमनिटी ये आप लोग को देना पड़ेगा, फिर एफिडेविट करना पड़ेगा, फिर लेटर ऑफ डिस्क्लेमर ऑन एफिडेविट, फिर पासबुक और डिपॉजिट रिसिप्ट और स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट, यहाँ पे ये सब आप लोग को लाना होगा और आप लोग को अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भी लाना पड़ता है अगर ज़्यादा अमाउंट है तो। ठीक है, और फिर सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन ऑफ द क्लेमेंट, जो क्लेम कर रहा है मतलब जो नॉमिनी है उसका यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा और एड्रेस रहेगा यहाँ पे, फिर मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कॉपी ऑफ आईडी मतलब एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड आप लोग को लेना होगा, और ध्यान रखने वाला बात है सेल्फ अटेस्टेड हर जेरोक्स पेपर में रहना चाहिए। ठीक है, फिर विटनेस वन आप लोग को लाना होगा, फिर नेम एंड एड्रेस विटनेस वन का यहाँ पे डिटेल रहेगा। ठीक है, फिर मोबाइल नंबर उनका रहेगा, फिर उसी तरह विटनेस टू कोई भी चलेगा। ठीक है, तो उनको लाना होगा और फिर यहाँ पे डिटेल रहेगा और उनका आईडी और एड्रेस प्रूफ रहना चाहिए और उनको भी जेरोक्स करके लाना है और फिर सेल्फ अटेस्टेड रहेगा। ठीक है, और ऑफिस यूज के लिए ये वाला पार्ट है, इसमें आप लोग को कुछ करना नहीं, ये पोस्ट मास्टर सब करेगा। ठीक है, और एक्विटेंस टू बी फिल्ड बाय क्लेमेंट। ठीक है, रिसीव रुपीज जो भी अमाउंट है यहाँ पे आप लोग को लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ 4,56,600। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को फिगर में लिखना है, कुछ इस टाइप का लिखना है, बाय चेक बियरिंग नंबर, फिर डेटेड जो भी डेट है यहाँ पे लिखना है, फिर बाय ट्रांसफर टू पीओ सेविंग अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है और बैंक अकाउंट नंबर जो भी आप लोग देना चाहते हो दे सकते हो, सो दैट वो ट्रांसफर हो जाएगा बैंक अकाउंट को या फिर पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट को। ठीक है, और फिर आईएफएससी कोड भी देना है, फुल सेटलमेंट ऑफ माई और आवर क्लेम और इनकेस ऑफ टीडी आरडी और सेविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्लीज ट्रांसफर द अकाउंट इन माई और आवर नेम फॉर विच अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अलोंग विथ एनेक्सेसर टू, जो केवाईसी फॉर्म होता है वो आप लोग को देना पड़ेगा अगर आप लोग आरडी टीडी भी सेविंग सर्टिफिकेट आप लोग किए हो तो। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्लेमेंट का सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग ये फॉर्म भर सकते हो, अगर कोई अकाउंट होल्डर डेथ करता है तो आप लोग को ये फॉर्म भरना है सो दैट उनका जो सेविंग स्कीम है आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।